ब्यूटीफुल फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं, तो घर की सफाई के साथ साथ अपनी सफाई भी करना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना फेस्टिवल ग्लो अप रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आईब्रोज एंड अपर लिप को सेट करूंगी। मैंने एलोवेरा जेल को अप्लाई किया है क्योंकि आज मैं आईब्रोज एंड अपर लिप को सेट करने के लिए रेजर का यूज कर रही हूँ। मैं आईब्रोज और अपर लिप को हमेशा खुद से ही बनाना पसंद करती हूँ। करीब 6 से 7 साल हो चुके हैं मैं पार्लर में जाकर कभी भी बनाना पसंद नहीं करती हूँ। मैं अपने हाथों से ही बनाती हूँ, मुझे अपने हाथों के ही शेप ज्यादा अच्छा लगता है। कभी मैं थ्रेड से बना लेती हूँ, कभी मैं रेजर का यूज कर लेती हूँ। इस बार मेरी आईब्रोज की ग्रोथ ज्यादा नहीं थी क्योंकि 10 से 15 दिन पहले मैंने बनाई थी आईब्रोज, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इस बार रेजर का ही यूज कर लेती हूँ। और जब आईब्रोज बन जाती है उसके बाद फेस कितना अच्छा लगता है ना। फेस्टिवल है तो फेशियल तो बनता है। मैं यहाँ पर लोटस का गोल्ड का फेशियल कर रही हूँ। ये फेशियल 4 स्टेप फेशियल है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्क्रब का। स्क्रब मैंने अपने पूरे फेस पे, नेक पे अप्लाई किया है और बहुत ही हल्के हाथों से मैं 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करूंगी, जिससे कि जितने भी ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, डेड स्किन है, वो सारी रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। वैसे अगर आप मार्केट से भी कोई भी फेशियल किट वगैरह लेके अपने खुद से कर सकती हैं, अभी पार्लर में जाके भी करा सकते हैं, या फिर DIY फेशियल वगैरह भी घर पर कर सकते हैं, बहुत ही इजीली हो जाती है। और फेशियल कराना अच्छा होता है जिससे हमारे फेस पे ना ब्लड सर्कुलेट होता है, फेस पे ग्लो आता है। और एक पिन की हेल्प से मैं अपने पूरे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को रिमूव कर रही हूँ। ये जो पिन है आपको इजीली किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप में मिल जाएगा और आप सामने देख सकते हैं मेरे कितने सारे व्हाइट हेड्स निकले हैं। और उसके बाद सेकेंड स्टेप है एक्टिवेटर। वो एक्टिवेटर को मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और करीब 1 से 2 मिनट के लिए मसाज करूंगी हल्के हाथों से। और मसाज करने के बाद हमको फेस को वाइप ऑफ नहीं करना है, इसी के ऊपर ही हम थर्ड स्टेप को फॉलो करेंगे। वो है थर्ड स्टेप क्रीम। और ये क्रीम को मैंने अपने पूरे फेस पे, नेक पे अप्लाई कर लिया है। करीब 10 से 15 मिनट के लिए अपने पूरे फेस पे, नेक पे मसाज करना है। और फेशियल के जो जो स्टेप आपको आते हैं वो सारे स्टेप को फॉलो करें। अगर आपको फेशियल के स्टेप नहीं पता है तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को देखकर अपना फेशियल खुद घर से कर सकते हैं और आपको पार्लर जैसा ही रिजल्ट मिलेगा। मैंने अच्छे से अपने फेस पे मसाज किया, इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। उसके बाद एक नैपकिन की हेल्प से अपने पूरे फेस को वाइप ऑफ कर लिया है। फिर 4 स्टेप है फेस पैक। पैक को मैं अपने पूरे फेस पे, नेक पे अप्लाई कर ले रही हूँ। करीब 10 से 15 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ना है। ड्राई होने के बाद एक नैपकिन की हेल्प से पहले मैं वाइप ऑफ कर रही हूँ, फिर मैंने फेस को वॉश कर लिया है और फेस देखिए कितना क्लीन हो गया है ना। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर मामा अर्थ का टोनर अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। टोनर मुझे लगाना बहुत पसंद है और ये वाला टोनर ना बहुत 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 अच्छा है। अगर आपकी एक्ने है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है ना, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी आप एक बार इस टोनर को ट्राई करके जरूर देखिएगा। अब बारी आती है हेयर की, तो मैं यहाँ पर बायोटिक का हेयर मास्क अपने हेयर पर अप्लाई करूंगी। वैसे मैं अधिकतर DIY हेयर मास्क अप्लाई करती हूँ, जैसे कि बनाना का, कर्ड का, फ्लैक्स सीड का, बट इस बार मेरा मन कर रहा था कि मैं बायोटिक का हेयर मास्क अपने हेयर पर ट्राई करूं। तो मैंने यहाँ पर अपने स्कैल्प पे, बालों की लेंथ पे अच्छे से मास्क को अप्लाई कर लिया है और इसको मैं करीब छोड़ रही हूँ 35 to 40 मिनट। उसके बाद नॉर्मल शैम्पू की हेल्प से मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया है और ट्रस्ट मी, फर्स्ट एप्लीकेशन में ही मेरे बालों में शाइन देखिए आप। इतने बाल इतने सॉफ्ट से लग रहे हैं, कोई भी स्पॉन्सर वीडियो ये नहीं है। मुझे ये मास्क पसंद आया तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे बाल काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गए थे इसको अप्लाई करने के बाद। अब बारी आती है अपने नेल्स को साफ करने की, तो एक बोल में मैंने गर्म पानी लिया है, उसमें शैम्पू डाला है, आधा नींबू का जूस डाला है। दोनों हाथों को मैं पानी में डिप कर ले रही हूँ करीब 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद जो नींबू मैंने डाला था, उस नींबू के छिलके की हेल्प से अपने नेल्स को
हाथ को अच्छे से मैं साफ करूंगी। नींबू ना बहुत ही अच्छे से डेड स्किन को हटाता है, नेल्स को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। आप देखिए मेरे नेल्स कितने ज्यादा क्लीन हो चुके हैं, वैसे काफी गंदे हो गए थे, 10 दिन पहले मैंने साफ किए थे। उसके बाद नेल फॉइलर की हेल्प से थोड़ा सा नेल्स को मैं सेट करूंगी। आई नो मेरे नेल्स बड़े नहीं है और मैं रख भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी एक बेटी है छोटी सी, तो इसकी वजह से मैं नेल्स को बड़े नहीं रख सकती थी। एक टाइम था तब मैं नेल्स को बड़े रखती थी और बहुत ही जल्दी टाइम आएगा तब मैं फिर से नेल्स को बड़े रखूंगी, क्योंकि छोटे बच्चे जब होते हैं ना तो डर लगता है कि उनको लग ना जाए इसलिए। और मैं यहाँ पर मेवलिन की नेल पेंट अपने नेल्स पे अप्लाई करूंगी, जो कि मुझे कलर ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने नायका से ऑर्डर किया था बट बहुत ज्यादा ब्राइट था, बट फेस्टिवल है तो कोई नहीं, थोड़ा ब्राइट तो चलता है और लगाने के बाद इतना बुरा भी नहीं लग रहा है ना। अब मैं अपने पैरों को क्लीन कर रही हूँ। मेरे पैरों की हालत देख रहे हो कितनी गंदी है, छी छी कितने ज़्यादा मेरे पैर गंदे हैं। नेल पेंट को पहले मैं रिमूव करूँगी एलिटीन के नेल पेंट रिमूवर की हेल्प से। ये जो नेल पेंट रिमूवर है काफ़ी अच्छा है, बजट में पड़ता है और नेल्स नेल पेंट को ईजिली रिमूव कर देता है और बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है। सारे नेल पेंट को मैंने रिमूव कर दिया है। नेल कटर की हेल्प से अपने सारे नेल्स को कट करूँगी। मैं पैरों के नेल्स को कभी भी बड़ा नहीं रखती हूँ, थोड़ा बहुत चलता है, बहुत बड़े बड़े मुझे नहीं अच्छे लगे, कभी भी अच्छे नहीं लगे। नेल्स को मैंने कट कर लिया, फिर एक टब में मैंने गर्म पानी लिया है और उसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ नमक और आधा नींबू का जूस डाला है, शैम्पू डाला है, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और दोनों पैरों को मैं करीब 5 से 6 मिनट के लिए इस पानी में डिप करके रखूंगी, जिससे कि जितनी भी डेड स्किन वगैरह है वो फूल जाएगी, नेल्स की जो गंदगी वगैरह है वो सारी गर्म पानी में हट जाएगी। और मेरा जब ना पेडिक्योर वाला ब्रश नहीं मिल रहा था तो ये पुराना ब्रश पड़ा था, मैंने वही ब्रश से ले लिया और अपने नेल्स को मैं साफ कर ली हूँ। ब्रश कोई भी हो गंदगी तो हटाएगा ही ना। उसके बाद फिर ये नींबू की हेल्प से मैं अपने नेल्स को पैरों को पूरे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। ये जो स्टोन आता है उस स्टोन की हेल्प से पूरे पैरों की डेड स्किन को मैं हटा रही हूँ। पानी से हटाकर मैंने एक टॉवल की हेल्प से अपने पूरे पैरों को मैं पोंछ ले रही हूँ और सामने आप देख सकते हैं कितने पैर साफ लग रहे हैं। उसके बाद मैं जूडियो गई थी, वहाँ का कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगता है तो वहाँ से मैं ये नेल पेंट लेके आई थी। फर्स्ट टाइम मैं ये नेल पेंट उनकी ट्राई कर रही हूँ। हाँ थोड़ी सी पतली है, मतलब डबल कोट अप्लाई करना पड़ेगा तब जाके कलर अच्छा आएगा, और वैसे मैं पैरों पे डार्क कलर लगाना पसंद करती हूँ बट इस बार मैंने थोड़ा सा हटके कलर लगाया। आपको कैसा लगा? अब बारी आती है अपने हेयर को रिमूव करने की, तो मैं अपने हाथों पे वैक्स करने जा रही हूँ। मैंने चॉकलेट वैक्स का यहाँ पर यूज़ किया है, वैक्स को मैं गर्म कर ले रही हूँ और अपने हाथों पे मैंने पाउडर लगाया है। थोड़ी थोड़ी जगह पे इस तरह से वैक्स लगाकर स्ट्रिप लगाकर इस तरह से मैं अपने हेयर को रिमूव कर लूँगी। वैक्स मैं अपने घर पर ही करती हूँ और कभी कभार जैसे मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं रेजर वगैरह का भी यूज़ कर लेती हूँ। मैं पार्लर में जाके कभी भी ये सब चीज़ें नहीं कराती हूँ, मेरे पास बिल्कुल इतना टाइम भी नहीं है कि मैं पार्लर में जाके इन सब चीज़ों पर टाइम वेस्ट करूं। और मुझे वैक्स करने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट में ना मैं अपने हाथों पे वैक्स इजीली घर पर कर लेती हूं। अपने हाथों पे मैंने वैक्स कर लिया है और केवल हाथों पे ही मैं कर रही हूँ क्योंकि पैरों की इतनी ग्रोथ मेरी है नहीं, इसलिए मैं पैरों पे अपने वैक्स अभी नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं ये बॉडी लोशन अपने हाथों पे लगा ले रही हूँ। और जिस टाइम वैक्स कराओ ना उस टाइम की स्किन कितनी सॉफ्ट सी, स्मूथ सी हो जाती है और कितनी शाइन करती है ना। आप लोग जब वैक्स कराते हैं तो आपको कैसा फील होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये रहा मेरा फेस्टिवल ग्लो अप रूटीन, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलती हूँ मैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और बहुत ज्यादा एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।